पांच बेटियों की गरीब माँ। उस गरीब मजबूर माँ का नाम सीता था। वो अपनी पांच बेटियों मनोरमा, रानी, छवि, सुमन और कावेरी के साथ रामपुर के एक कच्चे घर में बड़ी ही गरीबी में दिन काट रही थी। चुप हो जा मेरी बेटी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? छवि क्यों रो रही है? क्या उसे भी हम चारों बहनों की तरह भूख लगी है? हाँ रानी बेटा। छवि, मेरी छोटी बहन, चुप हो जा। बाबूजी तेरे लिए दूध और हमारे लिए खाना लेकर आते ही होंगे। पांच साल की नासमझ रानी अपनी छह महीने की दुधमुही बहन को सहलाते हुए दिलासा दे रही थी। वहीं सीता एकदम दरवाजे पर नजरें बिछाए अपने पति के घर लौटने की बाट जो रही थी। तन पर सूती की साड़ी और कलाई में चनकी हुई बेरंग पुरानी चूड़ी टूटने की हालत में थी। ना जाने रंजीत को राशन लेकर आने में और कितनी देर लगेगी। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ बदनसीब माँ को? मेरी पांचों बच्चियाँ भूख से बिलबिला रही है और मैं उन्हें एक दाना भी नहीं खिला सकती। सीता अपने मन से सवाल जवाब ही कर रही थी कि अचानक उसका पति रंजीत एक नए चेहरे के साथ घर में चला आता है। रंजीत, ये औरत कौन है? पिताजी, आप हमारे खाने के लिए कुछ नहीं लाए हो क्या? दूर हटो कमबख्तो। अरे पिताजी, क्या गुड़पट्टी है जो मक्खी की तरह चिपकने चली आई? ओहो रंजीत, चुप कराओ इन चारों को, इनकी किचकिच से मेरे कानों से खो निकल रहा है। रंजीत, तुम्हारे सामने एक अनजान औरत हमारी बेटियों को भला बुरा सुना रही है और तुम बुद्ध बने खड़े हो? सुरेखा अनजान नहीं बल्कि मेरी जान है, मेरी गुल बदन जाने बहार है, मेरी नई पत्नी है। ये सुनकर उस गरीब माँ के मन पर जैसे जोरों की बिजली आ गिरी हो। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? एक बार भी हमारी बेटियों के बारे में नहीं सोचा? सारे फसाद की जड़ी पांच सितारा ही हैं। अब मैं और इन बलाओं का बोझ नहीं उठा सकता। उठाओ इन्हें और दफा हो जाओ। वैसे भी पांच पांच बेटियों को जन्म देकर भरी जवानी में तुम्हारा हाल बैंगन के भरते जैसा बन गया है। अरे मैं पांच पांच बेटियों के साथ कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जाओ या डूब मरो इनके साथ। सुरेखा सीता को उसकी पांच बेटियों के साथ सर्द भरी रात में घर से निकाल देती है। उस रात गरीब सीता दोहरे दुख से गुजरती हुई अपनी बेटियों के साथ चली जा रही थी। माँ, मुझे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुमन पांचों बहनों में सबसे बड़ी थी, मगर भूख तो सभी के एक बराबर होती है। कोई उसे मिटाने की मांग करता है तो कोई छिपाता है। रानी, हम ये यहाँ नहीं रुक सकते, आगे चलते हैं। सुमन पांच साल की बहन रानी को पीठ पर सवार करती है। चारों ओर ठंडी ठंडी बयार बह रही थी जिससे सीता और उसकी पांचों बेटियों के रोए सिहर उठे थे। चलते चलते वो एक ईंट की भट्टी के पास आ पहुंचती है जहां आग धधक रही थी। चलो बच्चों, देखो वहां आग जल रही है। सीता अपनी पांचों बेटियों के साथ जलती हुई आग के पास बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी पांचों गरीब बेटियां गर्माहट से सो जाती हैं। वो गरीब ममतामयी माँ अपनी साड़ी के आंचल के पीछे महीने की बेटी को छिपाती तो कभी आसमान से गिरती बर्फ से अपनी सो रही बेटियों को ढांपती। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, तभी भट्टी का मालिक बोलता है। अरे बहन जी, कौन है आप और इतनी ठंड में छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ क्यों बैठी हैं? गरीबी की मारी हुई माँ हूँ मैं भैया। पति ने इन हालातों में पल्ला झाड़ लिया, पेहर तो डोली उठने के साथ ही छूट गया। अब मेरा कोई घर ठिकाना नहीं। उस गरीब माँ की आप बीती सुनकर रमणी का मन पसीज पड़ता है और उसकी आंखों में पानी उतर आता है। अरे भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। वैसे ये ईंट की भट्टी मेरी है, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। अंकल, ये बेटी भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहती है। जहाँ कावेरी और सुमन अपनी माँ का साझा सहारा बनकर भट्टी में ईंटें ढो रही थी, वही रानी और मनोरमा मिलकर छह महीने की छवि को संभाल रही थी। देखते ही देखते सूरज की तपिश मध्यम होने लगती है और सांझ ढल जाती है, जिसके बाद उस मजदूर माँ और उसकी बेटियों को उसका मेहनताना मिलता है। ये लो सीता बहन, तुम तीनों के मेहनत का मोल 900 रुपए दिहाड़ी। दोनों बेटियों ने तुम्हारे बराबर मेहनत की, इसलिए ये तुम्हारे हक है। बहुत शुक्रिया रमणीक भैया, भगवान आपकी इस ईंट की भट्टी को और चौड़े स्थान में ले जाए। देखो बेटी, अब हमें इस सर्दी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। मिले हुए पैसे से गरीब सीता एडवांस देकर बचे हुए पैसों से अपनी पांचों बेटियों की भूख मिटाती है।
ऐसे ही समय का पहिया दिन सप्ताह और महीनों के मोड़ पर घूमता जाता है। पांचों बेटी मन लगाकर पढ़ती हैं। देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। अब उस मजबूर माँ की पांचों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। माँ ये लो आपका टिफिन, याद से खा लेना। आज टीचर जी ने कक्षा में पढ़ाया था कि इंसान को समय पर खाना खाना चाहिए, वरना शरीर बीमारी की चपेट में आ जाता है। अरे मेरी छोटी सी छवि तो समझदारी भरी बातें करने लगी है। अच्छा मैं जा रही हूँ। सीता तेज गति के साथ काम पर पहुँचती है। रमणिक भाई आज से मैं भट्टी पर ओवर टाइम करूँगी। ऐसी भी कौन सी भुखमरी आन पड़ी है सीता बहन, जो इस बुढ़ापे में मेहनत घटाने के बजाय दोगुना मेहनत करने की बात कर रही हो तुम। भाई साहब आप तो जानते हैं मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, बगैर दान दहेज के कौन हाथ थामेगा मेरी बेटियों का। अरे सीता बहन, हर इंसान को एक ही तराजू में तोलना भला नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी के किरदार अलग अलग हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, तुम्हारी बड़ी बेटी सुमन मुझे बचपन से मेरे बेटे आदर्श के लिए भा गई है, अगर तुम्हें सही लगे तो हामी भरना। ये सुनकर गरीब माँ की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं, जिसके बाद सीता शादी के लिए हाँ भर देती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब सुमन दुल्हन बनती है। लाखों में एक लग रही है मेरी बिटिया आज। तेरी गरीब माँ तुझे दिल से दुआएं देती है कि जो कुछ सीता ने सहा उसकी परछाई मेरी पांचों बेटियों में से किसी पर भी ना पड़े। माँ फेरू का समय हो गया है, पंडित जी सुमन दीदी को मंडप में बुला रहे हैं। चारों बहनें सुमन को लेकर मंडप में पहुंचती हैं, जिसके बाद जयमाला और फेरों की रस्म पूरी होती है। कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता मंडप में आ जाएं। ये सुनकर उस गरीब माँ का कलेजा कचोट उठता है। सीता अपनी बीती बुरी परछाई को पीछे छोड़कर जैसे ही मंडप में आती है, तभी रंजीत उसके बगल में आ खड़ा होता है और समाज के सामने वो माँ मौन होकर अपनी बेटी का कन्यादान करती है, जिसके बाद पूरी विधि विधान से सुमन की शादी हो जाती है। और सभी बारातियों के विदा लेने के बाद वो कहती है, रंजीत तुम इतने सालों बाद अब क्या लेने आए हो मुझ गरीब से। सीता मुझे माफ कर दो, सुरेखा की झूठी सुंदरता और शोभा ने मुझ मंद बुद्धि को इस कदर घेर लिया कि मैं न तो एक वफादार पति बन सका, न अपनी पांचों बेटियों के लिए एक जिम्मेदार पिता बन सका। इसलिए 12 बरस से अपने किए की कटनी काट रहा हूँ। मुझ बदनसीब बाप से बेटियों के कन्यादान का हक न छीनो, वरना भगवान के घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। अपने पिता को अपनी भारी भूल पर पछताता देखकर उस गरीब माँ और उसकी बेटियों का मन पसीज पड़ता है। माँ पिताजी को माफ कर दो, उन्हें अपनी भूल का पछतावा है। हाँ माँ पिताजी को माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया रंजीत, मगर आपको मुझे एक वचन देना होगा, बगैर अपनी चारों बेटियों का घर बसाए इस बार आप मुझ गरीब माँ को बीच मझधार में छोड़ कर नहीं जाएंगे। वचन देता हूँ सीता। उस दिन से सीता और रंजीत साथ मिलकर अपनी बाकी की बेटियों को ब्याहने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। एक बार फिर दिन हफ्ते और महीनों के मोड़ पर बढ़ते जाते हैं और कावेरी मनोरमा और रानी की भी शादी हो जाती है। देखो रंजीत आज हमारी तीनों सोन चिड़िया भी अपने ससुराल चली गई। हाँ सीता, हम मियाँ बीवी ने मगन होकर इस कदर मेहनत की कि पता ही नहीं चला कि 5 साल बीत गए, आज वो भी अपने घर चली गई। अब बस अपनी पांचवी बेटी के हाथ पीले करने हैं। माँ पिताजी आपकी छवि आप दोनों को छोड़कर नहीं जाएगी, ये सोन चिड़िया अपने मायके में ही कुछ दिन और चहकना चाहती है। अपनी पांचवी बेटी की ये अभिलाषा सुनकर उस गरीब माँ पिता का दिल भर आता है। इस तरह वो पांचवी बेटी अंत के दिनों में अपने गरीब माँ बाप की सेवा भाव करती है, मायके की मिट्टी में मधुरमय दिन बिताती है। सैकड़ों दुखों के पहाड़ टूटने पर भी उस गरीब माँ के कदम न तो कभी डगमगाए, न वो अपनी मंजिल से डावाडोल हुई। उस गरीब माँ की तुलना उस मेहंदी के बूटे से तनिक भी कम नहीं, जो जीवन भर खुद पिस कर अपनी लाली से सूनी हथेलियों को सजाती है। कुणाल फोन पर अपनी बहनों से बात कर रहा होता है। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम पांचों को कांग्रेचुलेशंस। अरे भैया ये रूखी सूखी कांग्रेचुलेशंस से कुछ नहीं होगा, आपको घर पर आना होगा। हाँ भैया आपको आज हमारे घर पर आना होगा, हम आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाएंगे।
अरे इधर दो फोन, मैं बात करती हूँ। देखो भैया, मेरे लिए सोन पापड़ी लाना मत भूलना। हे भगवान, तुम सब ने तो भैया को परेशान ही कर दिया। मुझे दिखाओ फोन, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी ही तो कमी रह गई थी। देखो भैया, इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। आप आज रात घर पर आ जाओ, हम आपको इस खुशी की पार्टी देना चाहते हैं। अरे मेरी बहनों, चिंता मत करो, मैं आज शाम को तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और साथ में माँ और बाबूजी को भी लेकर आऊंगा। कुणाल की पांच बहनें यह सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वह पांचों रसोई में जाकर अपने भाई के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगती हैं। कुणाल ने अपनी पांचों बहनों की शादी एक ही घर में की थी और उसकी पांच बहनें बहुत खुशी से रह रही थी। कुणाल को हाल ही में अपनी पांचों बहनों के गर्भवती होने की खुशखबरी मिली थी, जिसके चलते वह अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो, आज हम सब मेरी बहनों के घर पर जा रहे हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान बांध लो। आपको पता है ना, मेरी पांचों बहन गर्भवती हैं, मैं उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे देना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, सारा पैसा तो तूने अपनी बहनों के ऊपर लुटाने के लिए ही तो कमाया है। अरे माँ आप ऐसा क्यों कहती हो, अब वो मेरी बहनें हैं तो मैं उनके लिए नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। अरे हाँ हाँ बेटा, ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। कल्याणी थोड़ी नचड़ी थी और वह बहुत ज्यादा कंजूस भी थी, जिसके चलते वह हर एक काम में कंजूसी दिखाया करती थी। वहीं कुणाल अपनी बहनों से इतना प्यार करता था कि वह अपनी बहनों के लिए हर एक चीज बढ़िया ही खरीदता था। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है, अगर शीतल इसे पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी, बाकियों के लिए भी अलग अलग साड़ियाँ खरीद लेता हूँ। कुणाल अपनी पांचों बहनों को साड़ियाँ देने के लिए और अपने आने वाले भांजे और भांजियों के लिए कपड़े खरीद लेता है, जिसके बाद वह सभी पैक करवा कर अपनी माँ और अपने बाबूजी के साथ अपनी बहनों के घर पहुँच जाता है। अरे वाह भैया, आप आ गए। ओह भैया, इतने सारे तोहफे लाने की क्या जरूरत थी। मैं भी तो यही कह रही थी, इतने सारे तो फिर खरीदने की क्या जरूरत थी, वैसे ही तुम्हारे पास इतने सारे तोहफे पहुँच चुके हैं। हे भगवान, कल्याणी तुम भी ना, आज के दिन तो कम से कम चुप रहो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप सभी बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे भैया, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए हो? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी सबसे प्यारी बहन रूपा के लिए कैसे कुछ लाना भूल सकता हूँ। तभी कुणाल एक प्यारी सी साड़ी निकाल कर रूपा को देता है और कहता है, ये वाली साड़ी मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ली है, आप बताओ कैसी लगी तुम्हें। अरे भैया, ये साड़ी तो बहुत प्यारी है और इसका रंग तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा खिलेगा। रूपा साड़ी लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी कुणाल की पांचों बहनों की सास राजवती कुणाल से कहती है, हे भगवान, अरे बेटा, तू अपनी बहनों के लिए इतना कुछ क्यों करता है, भला इतना सब कुछ करेगा तो उनकी आदत खराब हो जाएगी। भला मेरी बहनों की आदत क्यों खराब होगी, और फिर ये सब मैं उनके लिए इसलिए करता हूँ ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, और मैं अपने भाई होने का पूरा फर्ज निभाना चाहता हूँ। कुणाल की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में वह सभी आपस में बात करके हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुणाल की पांचों बहनें रसोई में अलग अलग पकवान बना रही होती हैं। मेरे भाई को मेरे हाथों की खीर बहुत ज्यादा पसंद है, आज तो मैं उन्हें बिल्कुल उनकी पसंद के जैसे खीर बनाकर खिलाऊंगी। मैंने तो भैया के लिए गाजर का हलवा बनाया है, भैया गाजर का हलवा खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे तुम सब देखना, भैया तुम्हारे हाथ का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ से छोले भटूरे खाएंगे, उन्हें मेरे हाथों का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो भैया के लिए कुछ भी अच्छे से नहीं बना पाएंगे, इसलिए सब अपना अपना खाने पर ध्यान दो। हाँ हाँ, रूपा ने बिल्कुल सही कहा, हमें खाना बनाने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वह पांच बहनें अपने माता पिता और अपने प्यारे भाई के लिए खाना बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती हैं, जिसके बाद वह सबको कहती हैं, मैंने खाने की टेबल पर खाना लगा दिया है, आप सभी आकर खाना खा लीजिए। कुणाल अपनी पांचों बहनों के साथ मिलकर खाना खाता है। वह उसके माता पिता अपने बच्चों का यह प्यार देख कर बहुत खुश होते हैं। वह सब खुशी खुशी आपस में बात करते हैं और खाना खाने के बाद कुणाल अपने माता पिता के साथ वापस घर लौट आता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और अब उसकी पांच बहनों को छठा महीना चल रहा होता है। एक दिन कुणाल अपनी बहनों से फोन पर कहता है, अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें किसी भी चीज की कमी तो नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। भैया आपने कुछ ही महीनों में हमें इतना सारा सामान भिजवा दिया है कि मैं अब आपको क्या बताऊं,
अब आपको और कुछ भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले ही सब कुछ है, आपने किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैं तो ये सोचती हूँ अगर हम पांचों बहनें आपके पास होती तो आप पता नहीं जमीन आसमान एक कर देते हमारी देखभाल करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा भैया, आप अपना भी ध्यान रखो। अरे मेरी बहनों, मेरे लिए तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल रखना जरूरी है, और तुम इस वक्त से गुजर रही हो, इसमें अगर तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर तुम्हें आगे जाकर परेशानी हो सकती है। कुणाल अपनी बहनों से इतना प्यार करता है कि वह हर एक पल उन्हें फोन करके उनकी खैर खबर लेता रहता। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते उसकी पांच बहनों की सास राजवती एक दिन बीमार हो जाती है। हे भगवान, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि तुम पांचों की पांचों गर्भवती हो और मेरी हालत खराब हो गई है। इस बीमारी के चलते मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगी। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपकी खुद तो तबीयत ठीक है नहीं, आप हमारा क्या ख्याल रखोगे? अभी आपको आराम करने की जरूरत है, आप अच्छे से आराम करो। आप हमारी चिंता मत करो माँ जी, हम पांचों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। राजवती की तबीयत का जब कुणाल को पता चलता है तो वह फौरन अपनी बहनों के ससुराल में पहुंच जाता है और अपनी पांचों बहनों से कहता है, अरे मेरी प्यारी बहनों, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं यहाँ रहकर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। उस दिन से कुणाल अपनी पांचों बहनों के साथ उनके ससुराल में रहकर उनका अच्छे से ख्याल रखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वह उनकी सास का भी अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ ही समय में उसकी पांचों बहनों को पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन अचानक से शीतल और राधा को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। भैया भैया, कहाँ हो आप? मुझे बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो भैया। कुणाल अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी पांचों बहनों को एक साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिनमें से शीतल और राधा की हालत देखते ही डॉक्टर उन्हें ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही देर में ओपीडी से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। लगता है मेरे भांजी और भांजी ने इस दुनिया में अपनी आंखें खोल ली है। तभी इतने में दो डॉक्टर दो बच्चों को लेकर आती है। जैसे ही कुणाल उन बच्चों को देखता है वह खुश होने लगता है, जिसके बाद उसकी बाकी की तीनों बहनों को भी पेट में दर्द होने लगता है। वहाँ की नर्स उन्हें तुरंत ओपीडी में लेकर चली जाती हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद उन तीनों को भी प्यारे से बच्चे होते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी पांच बहनें एकदम सही सलामत हैं और उनके बच्चे भी बिल्कुल सही सलामत हैं। कुणाल खुशी में पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयां बंटवा देता है, जिसके बाद वह अपने पांचों बहनों को उनके बच्चों के साथ वापस घर ले आता है। बच्चा होने के बाद भी कुणाल अपनी बहनों को 1 से 2 महीने तक बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। भगवान ने हमारी जिंदगी में सबसे अनमोल रतन हमारे भाइयों को बनाया है। एक भाई ही अपनी बहन को अच्छे से समझता है और उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकता। एक नूपुर गांव में 3 बहनें रहती थीं। वो तीनों अनाथ थीं और रंग से काली थीं। वो तीनों बहनें अपनी चाची और उसकी बेटी रूमी के साथ रहा करती थीं। रूमी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों बहनों की चाची सारा दिन उन तीनों बहनों से घर का काम करवाया करती थी। अरे ये तीनों की तीनों करमचली कहां जाकर मर गई? जब भी ये तीनों गायब होती है तो एक साथ गायब होती है। अरे आखिर ये तीनों काली चुड़ैले हैं कहाँ? तभी रमा काजल भूमि नदी किनारे से पानी भरकर लाती हैं। उन्हें देखते ही रेखा उनसे कहती है, ओहो आ गई महारानी, अरे इतनी देर कहाँ लगाती तुम तीनों ने? चाची जी नदी से पानी भरने गए थे, पानी नहीं होता तो खाना बनाने में दिक्कत होती। चाची जी हम सारा पानी भर कर ले आए हैं, आपको कोई काम था क्या हमसे? अरे हाँ काम ही काम है तुम तीनों के लिए, आज रात घर पर मेहमान आने वाले हैं, उनके खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देना। ऐसा कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। चलो बहनों खाने की तैयारियाँ करते हैं। वो तीनों बहनें खाने की तैयारी करने लगती हैं और रसोई में पहुँच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी रूमी उन तीनों के पास आती है और उन तीनों से कहती है, और मेरी काली फुलझड़ियों, आज मेरे मेहमानों के लिए क्या बना रही हो? जो चाची जी ने बताया है वो सभी बना रही हूँ। वैसे तुम्हारे कोई दोस्त आ रहे हैं क्या रोमी? अरे मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, और तुम्हें पता है वो कौन है? यहाँ के MLA का बेटा है, मुझसे शादी करना चाहता है, अब मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है,
क्योंकि तुम तीनों इतनी बदसूरत हो कि माँ नहीं चाहती कि तुम तीनों मेहमानों के सामने आओ। बाकी शादी में तो पता नहीं, वैसे भी तो तुम इस घर में नौकरानियों की तरह ही रहती हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हम घर में काम करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस घर में नौकरानी बन गए हैं। अरे काजल चुप हो जाओ, अगर ये सब चाची जी ने सुन लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। भूमि के समझाने से काजल चुप हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों मायूस होकर खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रूमी कई सारी जली कटी बातें उन तीनों बहनों को कहने लगती है। रूमी के जाने के बाद वो तीनों बहनें आपस में बात करती हैं। ये तो बहुत गलत बात है, हम तीनों बहनें भी तो इसी घर की बेटियां हैं, फिर चाची जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आज अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो हमें ये हाल न देखने पड़ते। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है। हमारे काले होने की वजह से चाची जी हमें बहुत बुरा भला कहती है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा, फिर क्यों काले लोगों से इतना भेदभाव किया जाता है? तभी वहाँ रेखा आ जाती है। अरे क्या कर रही हो तुम तीनों, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? चाची जी बस बन गया है, आप कहो तो हम ये खाना मेहमानों को परोस देते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें खाना परोसने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम तीनों एक काम करो, कुछ समय के लिए घर से बाहर चली जाओ। लेकिन चाची जी हम घर से बाहर कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहकर रेखा वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें मायूस होकर नदी के किनारे के पास पहुँच जाती हैं और रोते हुए एक दूसरे से कहती हैं, इससे अच्छा होता कि हम लोग पैदा ही ना हुए होते, कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चलो आज हम तीनों अपनी जान दे देते हैं, वैसे भी लोगों के ताने सुनने से अच्छा है कि हम अपनी माँ के पास चली जाएं। वो तीनों नदी के अंदर कूदने वाली होती हैं, लेकिन तभी अचानक से नदी के अंदर से एक देवी निकल कर आती है। रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जान देने से आखिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो तीनों बहनें देवी को अपनी परेशानियां बताती हैं, जिसे सुनकर देवी कहती है, देखो अपने रंग को लेकर तुम दुखी मत हो, तुम तीनों बहुत सुंदर हो, लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों से अपने हाथों पर मुल्तानी मिट्टी प्रकट करती है और उन्हें देते हुए कहती है, ये लो ये मुल्तानी मिट्टी है, इस मिट्टी को रोजाना अपने चेहरे पर लगाना, जिसके बाद तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देवी माँ की बात मानकर वो तीनों बहनें मुल्तानी मिट्टी को लेकर रात के समय घर पहुँच जाती हैं। जब तक सभी मेहमान जा चुके होते हैं, वो तीनों रात के समय सोने के वक्त मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा लेती हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही वो तीनों बहनें अपना चेहरा धोती हैं, वो बहुत खूबसूरत और गोरी हो जाती हैं। अरे वाह, मेरा चेहरा देखो कितना सुंदर हो गया है। अरे देखो तो सही, हम कितने गोरे हो गए हैं। ये सब देवी माँ की जादुई मुल्तानी मिट्टी का कमाल है। जैसे ही रेखा और रोमी उन तीनों बहनों को देखती हैं, वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। अरे एक रात में ऐसा क्या हो गया जो ये काली कलूटी इतनी सुंदर हो गई? माँ मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इन तीनों बहनों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। उन तीनों बहनों की सुंदरता को देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहां तक कि गांव के कई लोग रेखा के पास आते हैं और उन तीनों बहनों का रिश्ता मांगते हैं, लेकिन रेखा उन तीनों बहनों की शादी के लिए किसी का रिश्ता मंजूर नहीं करती। वहीं एक दिन रात के समय वो तीनों बहनें फिर से जादुई मुल्तानी मिट्टी लगा रही होती हैं, लेकिन उन्हें जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाते हुए रूमी देख लेती है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, इन तीनों बहनों के पास जादुई मुल्तानी मिट्टी है जिसके कारण ये तीनों इतनी सुंदर हुई है। अब तो मुझे भी ये मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में माँ को बता दूँ। रूमी अपनी माँ के पास जाती है और जादुई मुल्तानी मिट्टी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। अच्छा तो ये राज है इन तीनों बहनों के खूबसूरत होने का। एक काम करती हूँ, मैं चुपके से इनकी जादुई मुल्तानी मिट्टी चुरा लेती हूँ। रेखा मौका देखते ही उन तीनों की जादुई मुल्तानी मिट्टी चुरा लेती है, जिसके बाद रेखा मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे और अपनी बेटी रूमी के चेहरे पर लगा देती है, लेकिन लालच की वजह से जादुई मुल्तानी मिट्टी का जादू उनके चेहरे पर उल्टा पड़ जाता है और वो बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया हमारे चेहरे को? अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हमारी तो पहले वाली खूबसूरती ही चली गई।
माँ, मुझे मेरा पहले वाला चेहरा चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे मेरा पहले वाला चेहरा चाहिए। रूमी और रेखा दोनों कई घंटों तक पानी में अपना मुंह धोती रहती हैं, लेकिन उनका चेहरा पहले की तरह नहीं हो पाता और वो अपने लालच के चलते अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए खो देती हैं। वहीं दूसरी तरफ रमा, भूमि और काजल को तीन अच्छे घर के लड़के पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद वो लड़के उन तीनों से शादी करके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। कुणाल अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ शाम ढलने वाली है, मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। हाँ हाँ चला जा, एक लकड़ी काटने के अलावा तेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है। अरे तेरी माँ मर गई और तेरे बाप ने मुझसे शादी कर ली। शादी करने के कुछ ही साल में जब इस दुनिया को छोड़कर चल बसा और तुझे मेरे कंधों पर बोझ बढ़ाने के लिए मेरे पास छोड़कर चला गया। कुणाल अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनने के बाद भी उन्हें नजरअंदाज कर देता है, जिसके बाद वो एक बाल्टी में पानी भरता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जंगल की तरफ जाते जाते वो जितने भी हरे पेड़ देखा करता था, उस बाल्टी से उन सभी पेड़ों के अंदर पानी डाल दिया करता था। अरे यहाँ तो काफी सारी सूखी लकड़ियां हैं, इन्हें ही काट लेता हूँ। कुणाल जंगल में से सूखी लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो लकड़ियां काट कर 2 से 3 बंडल इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद वो जंगल के अंदर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, जहाँ कुणाल बचपन से अपना समय गुजारा करता था। हे भगवान, आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मैंने अपने प्यारे पेड़ को पानी तो दिया ही नहीं। ऐसा कहकर कुणाल उस विशाल पेड़ के चारों तरफ पानी डाल देता है और वापस घर लौट आता है। घर आने के बाद उसकी सौतेली माँ गायत्री उसे एक प्याज के साथ सूखी रोटी देती है। देखो खाना खत्म हो गया था, बस ये सूखी रोटी बची है, इन्हें खा लो और सो जाना। इतनी मेहनत के बाद भी बिना संकोच किए बेचारा कुणाल सूखी रोटी और प्याज खा लेता है, जिसके बाद वो आराम से सो जाता है। कुणाल अपने लकड़हारे की जिंदगी में खुश था, लेकिन एक दिन अचानक से उनके घर में चोरी हो जाती है, जिसके चलते गायत्री कुणाल से कहती है, ये सब तुमने क्या किया है? चुपचाप मेरे सारे गहने मुझे वापस लौटा दो। अगर तुमने मेरे गहने मुझे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। माँ आप ऐसा क्यों सोचती हो? भला मैं आपके गहने क्यों चोरी करूंगा? मैंने तो आपके गहने देखे भी नहीं है। गायत्री उसकी एक नहीं सुनती है, वो छड़ी उठाकर उसे मारने लगती है और मार मार कर उसे घर से भगा देती है। बेचारा रात के समय रोते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। चलते चलते वो उसी पेड़ के पास आकर रुक जाता है, जहां वो अक्सर थक हार कर बैठ जाया करता था। अब मैं कहां जाऊं? मेरे सर पर कोई छत भी नहीं है, बहुत जोरों से भूख भी लगी है। मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे घर से भी निकाल दिया है, और वो भी झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर। ऐसा कहकर कुणाल फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पेड़ से आवाज सुनते ही कुणाल घबरा जाता है और डर के मारे यहां से वहां देखने लगता है। कौन है यहां? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी उस विशाल पेड़ के मुंह और आंख बन जाते हैं, जिसके बाद विशाल जादुई पेड़ कुणाल से कहता है, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए ना? पेड़ के इतना कहते ही कुणाल के सामने एक सोने सा सुनहरा घर प्रकट हो जाता है। आज से तुम इस सोने के सुनहरे घर में रह सकते हो। तभी अचानक से उस जादुई पेड़ के ऊपर कई प्रकार के सोने के गहने उग जाते हैं। इन सोने के गहनों की मदद से तुम अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हो। अगर तुम्हें खाना खाना हो या तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इन गहनों को पेड़ के ऊपर से तोड़कर ला सकते हो। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम कई सालों से इस जंगल में लकड़ियां तोड़ने आते रहे हो और जब भी तुम्हें आराम करना होता है तुम हमेशा से मेरे पेड़ के छांव में ही बैठ जाते हो और तुम हमेशा मेरे जड़ों को पानी देते हो, जिससे मैं हमेशा हरा भरा रहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सब देखकर कुणाल बहुत खुश होता है, जिसके बाद खुशी खुशी अपने सुनहरे सोने के घर में चला जाता है, जहाँ उसे रहने की सभी सुख सुविधाएं मिलती है। अरे वाह, यहाँ तो रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं,
अब मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। एक काम करता हूँ, जादुई पेड़ से सोने के गहने तोड़ लेता हूँ। कुणाल जादुई पेड़ से सोने के गहने तोड़ता है और उन्हें सुनार की दुकान पर बेच देता है, जिसके चलते उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो उन पैसों से अपने लिए खाना और नए कपड़े खरीद लेता है। ये नए कपड़े कितने सुंदर हैं और ये खाना कितना स्वादिष्ट है, मजा आ गया। हे भगवान, तूने तो मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। कुणाल ऐसा कहकर अपने सोने के सुनहरे घर की तरफ लौटने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बहुत बुजुर्ग औरत मिलती है। मेरी मदद करो बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती बेटा, मुझे बचा लो। कुणाल को उस बुजुर्ग औरत के ऊपर बहुत तरस आता है, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। हे भगवान, ये बुजुर्ग औरत परेशानी में है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर कुणाल अपनी जादुई गहने के पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर से सोने का नेकलेस तोड़ लेता है और उसे सुनार की दुकान पर बेच देता है, जिसके बाद वो उन पैसों से खाने का सामान और कपड़े खरीद कर उस बूढ़ी औरत को दे देता है। ये लीजिए, आप पेट भर कर खाना खा लीजिए और ये कपड़े मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कुणाल अपने हाथों से उस बुजुर्ग औरत को खाना खिलाता है, जिसके बाद वो बुजुर्ग औरत उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कुणाल उस बूढ़ी औरत की मदद करके बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने घर पर वापस लौट आता है और सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कुणाल जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़ना शुरू कर देता है। मैं जानता हूँ कि मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जादुई पेड़ मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं हमेशा इसी प्रकार से अपने जादुई पेड़ की मदद लेता रहूंगा तो मेरी आदत खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा सोचकर कुणाल लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है और कमाए हुए पैसों को देखकर वो बहुत खुश होता है। एक दिन कुणाल मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर वहां से वापस लौट रहा होता है, तभी वहां उसे उसकी सौतेली माँ गायत्री नजर आती है। अरे माँ, आप यहाँ पर और आप रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। बेटा तू आ गया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। गहने तूने चोरी नहीं किए थे, बल्कि मैं ही उन्हें रख कर भूल गई थी। तब से मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। इस दुनिया में अपना कहने के लिए मेरे पास तेरे अलावा और कोई नहीं था, जिसे मैंने हमेशा सौतेला समझकर अपने से दूर रखा। बेटा मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दे बेटा। अपनी माँ को ऐसा रोते हुए देखकर कुणाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो कहता है, अरे माँ, आप मेरी देवी हो, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए मेरे साथ चलिए आप। कुणाल अपनी माँ को अपने साथ जंगल के सोने के सुनहरे घर में ले जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने गहनों की वजह से मुझे घर से निकाल दिया था ना, देखो आज मेरे पास कितने सारे गहने हैं। कुणाल जादुई पेड़ से सोने के गहने तोड़ता है और सभी गहने इकट्ठे करके अपनी माँ की झोली में भर देता है। माँ, आज के बाद मुझे अपने आप से दूर मत करना, माँ मेरे लिए पूरी दुनिया आप ही हो। उस दिन के बाद से कुणाल अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दिल्ली शहर के महंगे पॉश एरिया में रहने वाली मॉडर्न माया के परिवार में बेटी बेला, पति रूपचंद और बेटा शुभम था। शुभम अपने परिवार के मॉडर्न सदस्य से सबसे अलग था। माँ, मैं जा रहा हूँ। ओके माय सन, हैव अ सेफ जर्नी। माँ, आपका बेटा इतनी दूर जा रहा है, कम से कम उसे दही शक्कर तो खिला दीजिए। शुभम, ये दही शक्कर जैसी बातें तुमने कब से पाल ली? तुम्हारी कंपनी को देहात ही दिखा था तुम्हें बेचने को। जानते हो कि हम शहरी मॉडर्न लोगों के लिए गांव के गवार लोगों के बीच एक सेकंड गुजारना कितना मुश्किल होता है। माँ, आप फिर शुरू हो गई, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर दिल्ली से शुभम बनारस के लिए निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात गांव की बड़बोली लड़की बिंदिया से होती है, जिसने लाल रंग का सूट पहना था। उसके माथे पर गोल सी बिंदी, हाथों में चूड़ी और पैरों में चनकती पायल उसे गांव से जोड़ रहे थे। बिंदिया की सादगी देखकर शुभम दिल लगी कर बैठता है। अरे का हुआ शहरी बाबू, बिंदिया के देखकर बत्ती गुल हुई गई का?
ये सुनकर शुभम बिंदिया को देखकर मुस्कुराता है। कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। बिंदिया, मैं कल शहर वापस जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर गांव की भोली भाली बिंदिया शुभम से शादी करके शहर आ जाती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर बेला दरवाजा खोलती है। शुभम भैया, आ गए आप, मगर ये किस गवार को अपने साथ उठाकर शहर ले आए? ए शहरी ननदिया, ज्यादा पटर पटर ना करो, हम गांव के हैं, ई का मतलब ई नहीं कि हम गवार हैं। ये कैसा शोर शराबा है? अरे अब ई अधनंगी अवतार में कौन है? बिंदिया, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है बेला। का बोले बैल? अरे देखे में तो सूखा पापड़ के जैसे हैं, पता नहीं ई खाना खाती हैं कि खाना ई का खात है। अरे ओ दो कौड़ी की देहातन, तेरी ये मजाल कि तू माया के सामने उसकी बेटी को ऐसे बोले? शुभम, कौन है ये गवार? माँ, ये बिंदिया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर मॉडर्न सास बौखला कर कहती है, क्या ये गवार और मेरी बहू? हाँ, मैं नहीं मानती इस मुजरा करने वाली को अपनी बहू। अरे ये हमारे मॉडर्न परिवार से बिल्कुल मैच नहीं हो रही, एक तो इतना भारी साड़ी लटका रखी है। अरे ओ सासू माँ, ये बनारस की साड़ी है, हम जानत हैं कि ये बनारसी साड़ी में हम बिजुरिया गिरावत है, तभी तुम जलत हो। गवार बहू की बात सुनकर मॉडर्न ससुराल वाले अपने कमरे में चले जाते हैं और बहू इठलाती हुई बोलती है, देखो सजनवा, कैसे हमने अपनी मॉडर्न माजी के छक्के छुड़ा दिए। पति बेचारा सोच में पड़ जाता है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह होती है। बहू हाथों में लोटा लिए चिल्लाते हुए बोलती है, सासू माँ, अरे ओ मोरी सहरी सासू माँ। क्या है मेरी गवार बहू, क्यों सुबह सुबह बिजली की तरह गरज रही हो? माजी हल्का होने नहीं चलना क्या, हमारे पेट में बहुत हलचल हो रही है, आप भी लोटा ले आइए। गवार बहू की ये बात सुनकर मॉडर्न सास माथा पकड़कर बोलती है, ओह गॉड, कैसी गवार बहू पल्ले पड़ी है, जमाना इतनी तरक्की कर रहे हैं मगर उन गांव वालों को तो बस गंद फैलाने के लिए खेत और जंगल चाहिए। अरे सासू माँ, क्या बड़बड़ा रही हैं, चलना नहीं है क्या? फिर शहरी सास बहू का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाके बोलती है, मेरी गवार बहू, शहर में खेत खलिहान नहीं होते बल्कि घर में ही टॉयलेट बना होता है, बोले तो शौचालय, अब होती रहे हल्का। शौचालय देखकर बहू खुश होती है और बोलती है, तनिक ठहरो सासू माँ, हम अभी आए। बहू जल्दी से पूजा की थाली लाकर शौचालय की पूजा करने लगती है। अरे ओ मेरी बैल बुद्धि बहू, ये क्या करामात कर रही है? माँ जी, हमरे बनारस में माँ बड़े बूढ़े कहते हैं कि नए सामान का आरती के साथ स्वागत करते हैं, बस हम वही पूरा कर रहे हैं। सास परेशान होकर बाहर चली जाती है और बहू घर बार का काम करके रसोई में खाना बनाने आती है, जहां इलेक्ट्रिक चूल्हा देखकर गवार बहू की बुद्धि फेल हो जाती है। अरे ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा, बिंदिया को सब कुछ बुझा गया, दुकानदार ससुर जी को रस्ते का चूल्हा सस्ते में बेचकर चूना लगा दिया। अरे ओ ससुर जी, तनिक हेने आवा। ससुर चुपचाप उठकर किचन में आता है। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? अरे कछु ठीक ना है ससुर जी, अरे चिंदी चोर दुकानदार ने आपकी नकली चूल्हा बेचकर ठग दिया, ये चूल्हा जल ही नहीं रहा। अरे मेरी बड़बोली बहू, कमी चूल्हे में नहीं है, ये ऐसे जलता है और ऐसे कम होता है। हाय री, बिंदिया को तो मालूम ही नहीं था कि हमरे मॉडर्न ससुराल की रसोई रोबोट के जैसे खुद ही चल पड़ा थे। अब हम खाना बना लेते, चलिए फुटिए ससुर जी। थोड़ी ही देर में बहू खाना बनाकर जैसे ही तड़का लगाती है, पूरे घर में मिर्च की तीखी महक उठने के साथ सभी जोर जोर से खांसने लगते हैं। पता नहीं कौन सा जहरीला खाना बना रही है मेरी बेढंगी भाभी, कहीं ऐसा ना हो खाना खाए बिना ही खांस खांस करने पड़ जाए। बेला बुदबुदा ही रही थी कि बिंदिया मेज पर बैठे अपने मॉडर्न ससुराल वालों को खाना परोसती है। अरे ओ मेरी गवार बहू, ये कैसा तरंगी खाना बनाया है तूने? अरे सासू माँ, दिन दहाड़े दिखाई नहीं देते का, ये गांव का मशहूर खाना है, दाल भात चोखा, स्वाद में इतना मजेदार होवत है कि इंसान भरपेट खा ले और पल भर में पचा ले। ओ गॉड, अरे ओ मेरी गवार भाभी, ये तुम्हारा देहात नहीं बल्कि शहर है, इतना गंदा खाना हम नहीं खाते। अरे ओ बैल बुद्धि ननद, जरा देखो अपने शरीर को दशा, शहर का घास फूस खाकर कैसन मछली के काटा हुई बैठी हो, चुपचाप खाओ नहीं तो दे धोबी पछाड़, और माँ जी आप भी।
पूरा परिवार गवार बहू का गुस्सैल अवतार देखकर बेमन से खाना खाता है, मगर खाना खाते ही उनका मुरझाया हुआ मुंह खुशी से खिल उठता है और रूपचंद अपनी बहू की बड़ाई करते हुए बोलता है, अरे वाह बहू, तेरा बनाया दाल चावल तो बड़ा ही दमदार बना है। इसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद गांव की मिट्टी से मुलाकात हुई है। हाँ बिंदिया, सचमुच खाना बहुत अच्छा है, स्वाद तो मुंह में घुल मिल गया है। शुक्रिया ससुर जी, शुक्रिया पतिदेव। अरे आप दोनों अम्मा बिटिया के मुंह में दही जम गया है, तनिक तारीफ कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं बस बोलने ही वाली थी, बहू तूने अच्छा खाना बनाया है। हाँ भाभी, आपने वाकई अच्छा खाना बनाया है, क्या बात है, आज तो बैल भी बोल पड़ा। अरे बहू, बैल नहीं बेला। अरे क्या फर्क पड़त है ससुर जी, बैल बोलो या बेला एक ही बात है। गवार बहू की ये बात सुनकर मॉडर्न ससुराल वाले ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। समय बीतता है जिसके साथ मॉडर्न ससुराल वाले अपनी गवार बहू के साथ घुलने मिलने लगते हैं, मगर बहुत जल्द गवार बहू की खबर पूरे सोसाइटी में आग की तरह फैल जाती है और मॉडर्न माया की सहेलियां मोनिका और सेल्वी उसे मिलने आती हैं, जहां दरवाजे पर खड़ी बहू बोलती है, कौने से मिलना है? हम तुम्हारी सासू माँ की सहेलियां हैं, अंदर आ जाएं। अरे काहे नहीं, आओ ना आंटी। सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। इलो हमरी सासू माँ की सहेलियों, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा का चटकारा लगाओ। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अनोखी है, तुम्हारे खाने की अब स्वाद चख कर देखते हैं। जैसे ही दोनों सहेलियां गवार बहू के बनाए खाने को खाती हैं तो बोलती हैं, अरे वाह माया, तेरी गांव से आई बहू तो बड़ा स्पाइसी और स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ बस शक्ल और पहनावे से गवार है लेकिन बहू नहीं, मगर हमें ऐसी बाई मिल जाए तो बात बन जाए। अपनी बहू के लिए गवार शब्द सुनकर मॉडर्न सास बोलती है, बस करो तुम दोनों, मेरी बहू चाहे तो अपने एक जवाब से तुम्हारा मुंह बंद कर सकती है, मगर ये अपनी सास का लिहाज कर रही है, चली जाओ यहाँ से। अरे जरा ठहरो सासू माँ की सहेलियों, एक बात गांठ बांध लो, गाँव के लोगों गौ माता के जैसे सीधे होते हैं, मगर जरूरत पड़े पे सींग चलाना भी जानत है, इसलिए गाँव वाले को गवार ना कहना। उस दिन से गांव की गवार बहू अपने मॉडर्न ससुराल वाले के साथ बिना किसी बदलाव के मेल मिलाप से रहने लगती है।